नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं आज की खबरों से अपडेट। खरखोदा में फिर बाजार बंद, दुकान खोलने के सभी अनुमति कैंसिल। कोरोना वायरस से बचाव के लिए घोषित लॉकडाउन के बीच कुछ दिन पहले ही प्रशासन की तरफ से खरखोदा क्षेत्र में भी ज़रूरी सामान की दुकानों को खोलने के आदेश जारी किए गए थे, जिसमें कहा था कि 10 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खोली जा सकती हैं। लेकिन प्रशासन द्वारा कुछ ढील दिए जाने के बाद लगभग सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानों को खोलना शुरू कर दिया। इस दौरान न तो डिस्टेंस मेंटेन रखा गया, न ही बताई गई सावधानियों को ही बरता गया। दुकानें खुलने का आलम कुछ ऐसा था कि ज़रूरी सामान की तो बात छोड़िए, कपड़े, हेयर सलून, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्रूट सब्जी की रेहड़ियाँ, मोबाइल शॉप, घड़ी रिपेयरिंग, रंग रोगन, बर्तन सहित अन्य हर प्रकार की दुकान न केवल खुलने लगी, बल्कि इन दुकानों पर दूर दूर तक कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दे रही थी। इस बारे में हमने आपको पहले भी अपने चैनल के माध्यम से जागरूक किया था। इसके साथ ही यह देखने में भी आ रहा था कि किसी दुकान के बाहर भी चूने या पेंट से गोलदारे नहीं खींचे गए थे। मामले को लेकर जब SDM को शिकायतें पहुंची तो उन्होंने पुलिस प्रशासन व नगर पालिका को आदेश दिए कि तत्काल प्रभाव से शहर की हर प्रकार की दुकानों को बंद करवाया जाए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि लोग भी अपने घरों से बेमतलब ना निकले और पुलिस बैरिकेड लगाकर लॉकडाउन को लेकर दिए गए आदेशों की पालना को सुनिश्चित करे। जिसके बाद खरखोदा पुलिस व नगर पालिका की टीम शहर में निकली और दुकानों को बंद करवाना शुरू करवाया गया। इस दौरान नगर पालिका की टीम ने बगैर अनुमति के दुकान खोलने वालों के चालान भी किए। इस अभियान से दुकानदारों में हड़कंप मच गया और बहुत से दुकानदार अपनी दुकान बंद करके चले गए। खरखोदा के बाजार खुलने के कारण विभिन्न गांवों से भारी संख्या में लोग यहां खरीदारी करने के लिए आने लगे थे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गई थी और लॉकडाउन भी पूरी तरह से फेल हो गया था। समाज सेवियों ने बार बार शिकायत प्रशासन को दी, जिसके बाद प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि लॉकडाउन 1-2 की तरह पूरे बाजार को ही बंद करवाया जाए। अब केवल होम डिलीवरी के माध्यम से ही लोगों के घरों में सामान पहुंचाया जा सकेगा। बाजार पूर्ण रूप से बंद रहेंगे ताकि कोरोना वायरस ना फैल सके। SDM श्वेता सुहाग ने पुलिस विभाग व नगर पालिका को आदेश जारी किए कि अगर सावधानियां नहीं बरती गई और दुकानों को बंद नहीं करवाया गया तो कोरोना महामारी फैल सकती है। ऐसे में दुकानदारों को जो राहत दी गई थी वह वापस ले ली गई है। पुलिस प्रशासन व नगर पालिका की तरफ से आदेश के बाद दुकानों को बंद कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। धन्यवाद।